घबराओ मत बच्चे, कुछ नहीं होगा पापा को, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना? नंदनी पानी। नंदनी पापा ठीक है? होश आ गया नंदनी, तुम्हें पूछ रहे जाओ। मधु एक टाइम पे एक से ही मिलने देंगे, तुम रुको। देवेंद्र कहाँ है? पापा बहुत दर्द हो रहा है आपको? नहीं बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन। पक्का ठीक है ना आप? देखना अभी देवेंद्र चाचू आते होंगे रिपोर्ट्स लेके, सब कुछ ठीक निकलेगा। और हमें तुम्हें टेनिस में भी तो हराना है। पापा आप बेहोश कैसे हो गए थे? आपको एक सीक्रेट बताएं, आपके पापा ना बूढ़े हो रहे हैं। ये देखो सफेद बाल हो गए हैं, पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, बेहोश हो गए। हमारे पापा ना कभी बूढ़े नहीं हो सकते, हम आपके बाल डाई कर देंगे और डॉक्टर आपका ये इन्फेक्शन ठीक कर देंगे। आपको पता है जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, हम उस दिन भी बेहोश हो गए थे खुशी के मारे। भगवान ने इतनी प्यारी गुड़िया रानी जो हमारी झोली में रख दी थी। डर के मारे बेहोश हो गए होंगे, क्या पता लड़की बिगड़ गई तो। डर तो अब लगता है। आपको पता है आप ना हमारी सबसे कीमती चीज हो। डरते हैं इस बात से कहीं आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए। हम भी ना कैसी ये सब रोने धोने की बातें लेके बैठ गए। छोड़ो ये सब डरने डराने की बातों को, एक काम करते हैं, अंताक्षरी के गाने याद करते हैं, घर चल के खेलेंगे, ठीक है? पक्का? हाँ। फिर आप और हम एक टीम और बाकी सब एक टीम, हम ना सबको हरा देंगे। बट ना एक प्रॉब्लम है। क्या? आप बहुत ज्यादा बेसुर हो। कोई बात नहीं, आप गाना गा लेना, हम लिप सिंग कर लेंगे। वैसे भी यहाँ के डॉक्टर ने हमें गाना गाने से मना कर दिया है। हाँ मधु, क्या हो रहा है ये सब? मैं अभी क्लब से घर पहुंचा तो पता चला कि शेखर को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अरे हुआ क्या और किस हॉस्पिटल में हूँ? अभी क्या, अभी बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। अरे नहीं आप फिक्र मत कीजिए, शेखर भाई सब अभी बिल्कुल ठीक हैं और भाभी ने बताया उन्हें होश भी आ गया है। देवेंद्र भी डॉक्टर से बात कर रहा है, हम सब कुछ पता करके आपको फोन करते हैं। ठीक है ठीक है, ख्याल रखो, कुछ जरूरत हो तो हमें बताना। जी मैम जी, मेडिकल से आप ये मंगवा दीजिए। देवेंद्र तो अपना फोन यहीं छोड़ के चले गए, अभी हम कैसे? चाची। हाँ? मैं चाची को ढूंढ के दे दूंगा। ठीक है। डॉक्टर ये शेखर की रिपोर्ट है? यस मिसेस सिन्हा, इससे आसान तरीका नहीं होगा ये कहने का कि स्टमक कैंसर है इन्हें।
भाई यार तुम तो कड़क निकले मैं भाई विक्रम को ही सुना दिए। अब तो देखना वो नंदिनी के ना आसपास भी नहीं भटकेगा। ऐसे बेटा पर उसे पीजना वीजना हो ना दीपो भाई को बताना। साले के करारे करारे कंटाव रखेंगे, ये रखेंगे, ये लगाएंगे, ऐसे कंटाव लगाएं भाई नाम मिल जाएगा अपना। क्या हो गया भाई धमकी देकर बुरा लग रहा है? साला तुम शरीफ लोंडो का ना यही एक प्रॉब्लम है, ऐसा बुरा कर दो दिल से मरने लगते हो तुम लोग। भाई वो लोग क्या कहते हैं कि प्यार और दुश्मनी में सब अलाउड है बेटे। यहाँ तो दोनों है, प्यार भी है दुश्मनी भी है, तो गिल्ट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। हम ना समझ गए तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कब तक ऐसे वेटिंग रूम में वेट करते रहोगे? जाओ और जाकर बोल दो उसे प्यार हो गया डार्लिंग, गर्लफ्रेंड बनोगी क्या हमारी? भाई सिंपल है, अभी नहीं बोल सकता यार। क्यों नहीं बोल सकते बे? हैं? अभी साला एक विक्रम से लपड़ा निपटा है, कल को दूसरा विक्रम आ जाएगा तब क्या करोगे? पूरी लाइफ ऐसे दोस्त बन के रहोगे क्या उसके? भाई हम ना 100% श्योर है कि वो भी ना लाइक करती है तुम्हें। अब या तो हाँ कर देगी या फिर ना सही, पर जाके बोलो तो यार तुम उसे। नहीं यार अभी नहीं बोलूंगा उससे, टाइमिंग बहुत गड़बड़ है। तो साला क्या टाइमिंग का मुहूर्त निकलवाए क्या हम? उसके पापा की तबीयत कितनी खराब है यार, अभी बोलूंगा तो सही नहीं लगेगा। मुरली ने तुम्हें धमकी दी, उस चुंदर की तो चल आयुष उसकी मुंह की ज्योग्राफी बिगाड़नी पड़ेगी। गाइस 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 स्टॉप इट यार। बट हाउ डे ही? आई नो, गुस्सा मुझे भी आया, चक्कर कुछ और है। से प्रॉब्लम क्या है मुझसे समझ में ही नहीं आ रहा है यार। वो नंदिनी का बॉडीगार्ड बना फिर रहा है। बेस्ट फ्रेंड है उसका। हाँ तो दोस्ती है ना, लिमिट में रहे अपनी। और तू और नंदिनी तो यहाँ मैन, यू गाइस आर टुगेदर ना। ऑनेस्टली आई डोंट केयर मुरली मेरे बारे में क्या सोचता है। इट्स जस्ट अगर नंदिनी के भी वही ओपिनियंस है तो आई डोंट वांट हर टू थिंक आई एम अ बैड गाय। तो बात कर नंदिनी से। या एंड टेलर नंदिनी को भी तो पता पड़े कि उसका बेस्ट फ्रेंड कितना कमीना है। फाइन आई टॉक टू। जी हाँ हम आ जाएंगे। थैंक यू। केमोथेरेपी का अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है, कल से शुरू है। तो फिर इस बात पे दावत हो जाए बढ़िया से। पता नहीं ये डॉक्टर लोग फिर कभी खाने देंगे या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना आपके साथ। तो फिर थोड़ा मुस्कुराइए ना आप। पता नहीं इस कमरे में सब लोग ऐसे रोने धोने वाली शक्लें लेकर क्यों आ रहे हैं। गायत्री हम चाहते हैं कि आप पापा मधु देवेंद्र सब मुस्कुराइए हमारे साथ। जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हंस के जिएंगे। आप बार बार मरने की बातें क्यों करते हैं शेखर? चले नहीं करेंगे। आप एक काम कीजिए, सबको हॉल में बुला लीजिए, हमें कुछ बात करनी है सबसे। शेखर प्लीज घबराइए मत, हम ऐसे रोने धोने वाली बातें नहीं करेंगे। जाइए सबको हॉल में बुलाइए। नहीं